ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संग्रहित करें, भाव ये करें कि हमारे जीवन में ऐसा सुयोग सौभाग्य निरंतर मिलता रहे। हमारे मन में कई आशंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, इन 9 दिनों के स्वाध्याय के माध्यम से ये सारी आशंकाएं कुशंकाएं मिटती चली जाए। हमारा मन प्रभु के कथा श्रवण में लगे, हमारा मन उनकी लीला श्रवण में लगे, हम उनकी कथा को कह सकें, उनकी कथा को सुन सकें। आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव उस लीला के रूप में आए थे, लीला अवतार के रूप में आए थे, तो उनकी लीला का श्रवण, कथन, मनन, चिंतन, उसका मंचन, ये सारी की सारी चीजें उनकी उस प्रक्रिया को गति देने वाली, उनके विचारों का विस्तार, उसको विस्तार देने वाली। आइए, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का घर कौन सा है, श्री राम अयन, उस चिंतन को आगे बढ़ाएं। इससे पहले शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम अस्तो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में रख लें, मस्तक पे लगाएं, प्रार्थना करें कि हमारा मन शांत रहे, कभी भी छोटे छोटे झंझावातों में उलझने न पाए। हम इन 9 दिनों में सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और अपने चिंतन को बढ़ाने की कोशिश करें। लाइट्स ऑन कर दें, गायत्री माता की आरती यहाँ पर होगी अभी, और गायत्री माता की आरती रोज करेंगे शाम को, छोटी वाली। Hari 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 Hari